फ्रेंड्स, मैं अंजलि गोठाने। आज हम बनाएंगे तवा पाव भाजी। आइए इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। टमाटर लिया है 4 काट के, और फ्लावर मतलब कि फूल गोभी वो आधा किलो ली है, और शिमला मिर्ची 1/2 किलो, और कांदा लिया है 1 बड़ा वाला, और अदरक लहसुन और जीरा डाल के पेस्ट की हुई है। आलू लिया है, पाव भाजी मसाला है, बटर है, धनिया है, पाव लिए हैं, ये नमक, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, पानी लगेगा और तेल। सबसे पहले हम आलू में डाल देंगे, फ्लावर, फूलगोभी और शिमला मिर्च, ये सारे डाल के हम पहले कुकर में इसको पका देंगे और थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि फटाफट ये पक जाए, और कुकर में लगा देंगे। और गैस चालू कर देंगे। अभी 3 सीटी होने के बाद इसको निकालेंगे। सबसे पहले हम गैस चालू कर देंगे। हमारा कुकर इधर हो रहा है, तब तक हम टमाटर पका लेते हैं और इसमें डालते हैं तेल। कम से कम 100 ग्राम हमने तेल डाला है। तेल को गर्म होने देते हैं। अभी हमारा तेल गर्म हो गया है। इसमें कांदा डाल देते हैं। कांदा ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। अभी हम इसमें अदरक लहसुन और जीरा इसकी पेस्ट बनाइए वो डाल देते हैं, और इसको थोड़ा होने देते हैं। अभी हम टमाटर डाल देते हैं। 4 टमाटर लिए हैं। अभी इसको पकने देते हैं। अभी थोड़ा नमक डाल देते हैं इसमें। और इसे पकने देते हैं। नमक से जल्दी जल्दी पक जाएगा ये। अभी हम इसका ढक्कन निकाल देते हैं। 5 मिनट इसको ऐसे ही पकाना है ताकि हमारे टमाटर पूरे गल जाएं। अभी इसमें हम 1 चम्मच मिर्ची पाउडर डाल दी है, और थोड़ी सी बिल्कुल 1/4 हमको हल्दी पाउडर डालना है। और 1 मिनट के लिए हम इस पे ढक्कन रख देते हैं और कुकर खोल देते हैं। अभी हमारा कुकर ठंडा हो गया है। हमारी सब्जियां ऐसे गल जाना चाहिए। इसे हम पाव भाजी पुशर से इसे पुश करके इसको मैश कर देंगे इस तरह से। अभी हम इसका ढक्कन खोल देते हैं।
मटन हमारे पूरे गल गए हैं, इसे भी हम थोड़ा मैश कर देते हैं ताकि हमारी पाव भाजी एकदम हमें सॉफ्ट मिले, एकदम बाहर जैसी मिले। अभी हम इसमें यह सब डाल देते हैं। मिक्स कर देते हैं। इसमें हमें अब मैं पाव भाजी मसाला डालती हूँ। ये मुंबई में स्ट्रीट फूड में बहुत मिलता है और लोगों को बहुत पसंद भी है। अभी इसको 5 मिनट हम ऐसे ढक के रख देंगे। अभी 5 मिनट हो चुके हैं, देखिए कितना सुंदर कलर आया है हमारे पाव भाजी का। इस तरह हमारी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए पानी की। अभी हम इसे इस गैस पे रख देते हैं। और इस पे तवा रख देते हैं। हम इसमें बटर डाल देते हैं और इस पे पाव भाजी डाल देते हैं। इस तरीके से और इसे हर इस तरह से मैश करते हैं, बिल्कुल बाहर जैसी पाव भाजी हो गई है। तो मुंबई में ऐसे ही बनाते हैं, उनके बहुत बड़े बड़े तवे रहते हैं, हम अपने घर में छोटे से तवे पर कर रहे हूँ। और इसे निकाल देते हैं। इस तरह से अभी हम मसाला पाव बनाते हैं। इसी तवे पे वो लोग ऐसे करके ऐसे कर देते हैं और फिर इसमें थोड़ा बटर और ये पाव भाजी मसाला डाल देते हैं। इस तरह से बना के हमें ये हो गया हमारा। अभी हम इसे ये पूरा बटर इसमें लगा देते हैं। इस तरह से अब हम पाव भाजी में थोड़ा धनिया और बटर डाल देते हैं। यह हमारा घर में बना हुआ बटर है, इसकी भी रेसिपी हम आपको बताएंगे। और इस तरह से नींबू निचोड़ देने का इस पे, और इस तरह से इसे खाया जाता है। और इस तरीके से हम इसे सर्व करेंगे। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।